भ्रष्टाचार किसी भी देश या समाज की तरक्की के लिए सबसे बड़ी बाधा होता है। भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास बहुत पुराना है। आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसता नजर आने लगा था। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के लिए नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत तरीके से अपने आय में वृद्धि करने लगता है तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के समक्ष जो परिस्थितियां बनी हैं उससे देश को बहुत गहरा नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर देश की सम्मान की बात, दोनों को ही ठेस पहुंचाता है। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे उसमें अब तो वो बात नहीं रही। आज हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो भ्रष्टाचारी हैं तथा पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला रहे। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई जन आंदोलन भी हुए। अन्ना हजारे आंदोलन उसी का एक उदाहरण है। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी भी की। जिस तरह हर बीमारी के इलाज की दवा एक होती है, वैसे ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी दवा है। जी हाँ, भ्रष्टाचार निरोधक कानून संशोधन पर आज संसद ने मोहर लगा दी है। राज्यसभा में पहले ही ये बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद अब रिश्वत देना भी अपराध होगा और लेना भी। लंबे समय से अटके इस बिल में घूस लेने के साथ साथ घूस देने को भी अपराध बनाया गया है। ज्यादातर भारत में भ्रष्टाचार रिश्वत लेने से बड़ा है, जिससे रिश्वत को लेकर नए कानून भी बनाए गए हैं, जिसके लिए इनकी सजा का प्रावधान भी बढ़ा दिया गया, जो कम से कम 6 महीने की सजा थी उसे बढ़ाकर 3 साल का कर दिया है और जो 3 साल की सजा थी उसे 5 साल की सजा कर दी गई। साथ ही इस नए प्रावधान की महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें पहली बार भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर समय सीमा निर्धारित होगी, यानी 2 सालों के अंदर ही भ्रष्टाचार जैसे मामलों को निपटाना अनिवार्य होगा। इसी तरह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति भी 3 महीने के भीतर देना जरूरी बन गया है। इसमें सबको ये सूचित किया गया है कि किसी को भी बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। आशा करते हैं इस कानून के बाद देश भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकल सकेगा। भ्रष्टाचार हमारे नैतिक जीवन मूल्य पर भी गहरा असर छोड़ देता है, जिससे भारत के लोगों की एकता और भाईचारे को खंडित कर देता है। भ्रष्टाचार जैसे जुड़े कुछ लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर राष्ट्र का नाम बदनाम करते हैं। थैंक यू सो मच।